में श्री श्री राधा रास बिहारी जी के भवन में उपस्थित प्रातकालीन सत्संग कार्यक्रम में जितने भी भक्तगण मातृगण सबको विशेष स्वागत। तो आज एकादशी है, इसलिए एकादशी के भजन गाएंगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। भकत सेवा शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनु माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। कृष्ण शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर आमा से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। सुन मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे। मृदंग वाद्य सुनिते मन गौरविहित कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे। चरण रेणु भजन अनुकूल। सुन जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय। जुगल मूर्ति प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय। प्रसाद
अशुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त यदि ने गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाया यदि ने गृह भजन देखी गृहते गोलोक चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया चरण अशुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर अशुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा विनोद प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी माधवती थी कृष्ण वसती बोली परम आदरे बरी अशुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमाधव तिथि की समवेत भक्त वृंद की शील प्रभुपाद की। तो आज एकादशी तिथि का पारंपरिक रीति के अनुसार शील प्रभुपाद की लीलाचरित के पाठ करेंगे। शील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 46 प्रसंग अमेरिका में प्रचार के भाग पेज नंबर 365। प्रभुपाद, हाँ मैंने कहा था कि बड़ा मक्कार है, मैं और क्या कह सकता हूँ। और अब तो यह सिद्ध भी हो चुका है, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में कहा है, यह चंद्र यात्रा बचकाना है और यह सब अब सिद्ध भी हो चुका है। अब वे ये से अच्छा सॉरी तो नीचे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। अगले दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद घूमने के लिए लोयला पार्क गए। मार्ग में एक भक्त शिकागो ट्रिब्यून के प्रातकालीन संस्करण से उच्च स्वर में समाचार पढ़ने लगा। उसके आरंभ में कहा गया था, क्षमा करें, यह कहानी अच्छी तरह नहीं लिखी गई है, मैं एक स्त्री हूँ। लेख में आगे लिखा था, क्या लिखा था अभी लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य 77 वर्षीय कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बुधवार को ऐसा कहा कि संघ का उद्देश्य भगवत भक्ति और भौतिक पदार्थों के त्याग द्वारा विश्व में शांति की स्थापना करना है। स्वामी पालथी मारकर कीमती देख रही एक गद्दी पर बैठे थे। वे चारों ओर ताजे फूलों की मालाओं और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से घिरे थे। सिराटन शिकागो होटल का वह कॉन्फ्रेंस रूम जिसे उन्होंने किराए पर लिया था, सुलगति अगरबत्तियों से महक रहा था। वे नगर में शनिवार को 1:30 स्ट्रेट स्ट्रीट पर निकलने वाले कृष्ण जुलूस में भाग लेने के लिए आए थे। जुलूस में वे फूल मालाओं से सजे रथ पर सवारी करेंगे। उसके बाद वे वायुयान द्वारा फिलाडेल्फिया जाएंगे। वहां वे और उत्सव और दार्शनिक चर्चाओं में सम्मिलित होंगे। अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए वे कभी कभी अपनी सुनहरी घड़ी पर दृष्टि डालते थे। उनके 5 प्रशंसक शिष्य उनके बगल में घुटने के बल पर बैठे थे। लेख आगे जारी रहा। इस भाव को अंतर्निहित करता हुआ कि श्रील प्रभुपाद अंध पुरुषवादी थे, उन्होंने कहा कि उनकी वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का पुत्रियां और पत्नियां के रूप में अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। एक अनविवाहित स्त्री अनुमानतः उनके लिए वर्गविहीन है। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह सही बात है।
वह वेश्या है। बस यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो वह वेश्या है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भक्त ने लेख पढ़ना जारी रखा। स्वामी इस समय लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहाँ अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित देते हैं। उनकी आय उनकी पुस्तकों पत्रिकाओं और अगरबत्तियों की बिक्री से होती है। वे कहते हैं कि उनके लगभग 10,000 अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत अधिक शिष्य नहीं है, प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है। कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो यह बुरा नहीं है। और उन्होंने कृष्ण भावनावृत संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रस्ताव सामने रखा। हमारी नीति डलास गुरुकुल में प्रथम श्रेणी के पुरुष पैदा करना होनी चाहिए और हम लड़कियों को दो बातें सिखाएंगे, अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य कैसे बना जाए और बढ़िया भोजन कैसे बनाया जाए। यदि उनमें ये दो योग्यताएं आ जाती है तो उनके लिए अच्छा पति ढूंढने के गारंटी मेरी होगी, इसलिए ऐसा करने की कोशिश करो। पार्क में प्रभुपाद का साथ देने के लिए भक्तगण कोई कारों में पहुंच गए। लगभग एक दर्जन जिज्ञासु शिष्य ठीक उनके पीछे पीछे चलने लगे और प्रभुपाद लेक मिशिगन के किनारे छायादार ऊंची वृक्ष से आच्छादित मार्ग पर आगे बढ़ते गए। मार्ग की चौड़ाई इतनी थी कि केवल कुछ ही शिष्य अगल बगल चल सकते थे, इसलिए अधिकांश शिष्य मार्ग के बाहर की घास पर चलने लगे ताकि वे श्रील प्रभुपाद की बात सुन सकें। प्रभुपाद कह रहे थे, सामान्य शिक्षा पर्याप्त है, ABCD उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वेश्या बन जाओ। कितनी बेहुदा बात है, वेश्या बनने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, इसलिए डलास गुरुकुल में कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को शिक्षा दो कि विश्वास योग्य सत्यनिष्ठ पत्नी कैसे बना जाए, कैसे अच्छा भोजन बनाया जाता है। उन्हें कई तरह के भोजन बनाना सिखाओ। क्या वह बहुत कठिन है? ये दो ही योग्यताएं हैं लड़कियों की। हमारे यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे दमयंती, पार्वती, सीता की कहानियाँ। ये इतिहास की महान महिलाएं हैं। हमारी लड़कियों को उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और 15-16 साल की अवस्था होने तक उनका विवाह हो जाना चाहिए। यदि ये योग्य हैं तो उनके लिए उपयुक्त पति पाना कठिन नहीं होगा। यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो वह सुंदर ना भी हो तो भी अपने पति की प्रेम भाजन होगी, इसलिए उन्हें उसी तरह प्रशिक्षित करो। वापस लौटने से पहले प्रभुपाद रुक गए और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग घास पर बैठ जाएं। एक भक्त ने अपनी तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने विदेश में सवेरे सवेरे एक पार्क में गए, लोयला पार्क। तो एक प्रातकालीन संस्करण को पेपर होगा जिसका नाम था शिकागो ट्रिब्यून, वो मॉर्निंग पेपर आया था, उसमें से कुछ लेख निकला था जिसको पढ़ रहे थे। वो लेख में ऐसा लिखा था, आरंभ में कहा गया था कि क्षमा करें, कहानी अच्छी नहीं लिखी गई है। जो लिखेगा लिखा तब लिखा था कि अपने इसके कुछ पहले एडवांस मांग लिया था। तो लेख में क्या लिखा था उसको पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी के बारे में लिखा था उस लेख में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य 77 वर्षीय कृष्ण भावनामृत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बुधवार को कहा कि संघ का उद्देश्य भागवत भक्ति और भौतिक पदार्थ के त्याग द्वारा विश्व में शांति की स्थापना हो सकता है। प्रभुपाद जी ने आपके अपने सिद्धांत को कहा था, उसी को उन्होंने उद्धृत किए हैं।
और स्वामी जी कैसे बैठे थे पूरा हुआ वर्णन, स्वामी पालती मार कर किमती देख रही एक गद्दी पर बैठे थे, चारों ओर ताजे फूलों की मालाओं था, ध्वनि विस्तारक यंत्र घिरे थे। तो इस प्रकार वो कॉन्फ्रेंस रूप किमती था, किराए पर लिए थे। इस प्रकार ये सब लिखने के बाद अपने जीवन दर्शन की व्याख्या स्वामी जी कर रहे थे, तो और बीच बीच में प्रभुपाद जी ने एक गोल्डन वॉच पहने थे, उस पर देख रहे थे। तो लेख आगे जारी रहा, इस भाव को अंतर्निहित करता हुआ श्रील प्रभुपाद कि अंध पुरुषवादी थे, उन्होंने कहा कि उनकी वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का पुत्रियों और पत्नियां के रूप में अतिरिक्त कोई स्थान नहीं। ये आक्षेप था प्रभुपाद जी के ऊपर, लेख में प्रभुपाद जी के अच्छे वर्णन किए थे। द मेन टारगेट प्रभुपाद जी के ऊपर आक्षेप किया गया था लेख में कि वो इतने बड़े स्वामी इतने बड़े से काम करते, लेकिन उनके जो विचार है उसमें से दोष है। ये दोष के कारण प्रभुपाद जी को दोष दें कि अंध पुरुषवादी थे, अंधे केवल पुरुष को सपोर्ट करने वाले थे, ये दोष दे रहे हैं प्रभुपाद जी को। अंधे पुरुषवादी थे, ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मैन ऐसे करके बोलते हैं। तो क्यों पुरुष फॉलो करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके वर्ग व्यवस्था में, उनके लिए डिवीजन है वर्ग व्यवस्था है, उसमें स्त्रियों को केवल पुत्री और पत्नी और माँ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान ही नहीं है। दूसरा स्थान नहीं रखे पत्नी स्त्रियों के लिए, एक अनविवाहित स्त्री अनुमानत उनके लिए वर्गहीन है। तो प्रभुपाद जी ने बैठे थे ऊपर चल रखा था कार के पिछले सीट में, प्रभुपाद जी ने इस बात को सुन करके उनके प्रति जो आक्षेप लगा गया था कि अंधे पुरुषवादी है, स्त्रियों को केवल यही वर्गीकरण से अलावा और कुछ नहीं समझते, उनको स्थान नहीं दिए हैं। स्त्रियों को क्या क्या स्थान दिए प्रभुपाद जी ने? पत्नी, बेटी, बस उसके अलावा और कोई स्थान नहीं है, इसलिए उनको बड़े दोष दिया जाता है कि अंधे पुरुषवादी है। तो प्रभुपाद जी ने उसको सुन करके मंद मंद मुस्कुराए और बोले वह सही बात है। फिर बोले जो दोष दे रहा है वो एक वेश्या है, इस स्थान में दिया नहीं है हमारे संस्था में। बस यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो वह वेश्या है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो भक्त ने लेख पढ़ना जारी रखा। स्वामी इस समय लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहां अपने अनुजायों को प्रशिक्षण देते हैं। वो जो दोषारोपण का लेख लिखी थी वो लेख आगे भी पढ़ते रहे कि स्वामी जी ने लॉस एंजलिस में रहते हैं और अपने अनुजायों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उनकी आय, उनकी इनकम क्या है, उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैगजीन और इंसेंस अगरबत्ती के बेच करके उनके इनकम होता है। लगभग 10,000 अनुजाई हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ज़्यादा अधिक फॉलोअर शिष्य नहीं है और प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है। ये भी शिष्य क्यों ज़्यादा नहीं है कि अच्छा पुरुष पाना आजकल दुनिया में बड़े कठिन है। कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। उन्होंने लिखी है प्रभुपाद जी के साथ ये कहे होंगे कि आजकल कोई अच्छे पुरुष पाना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, क्योंकि पूरे समाज के लोक संख्या में आधे स्त्रियां हैं। तो उसको सुन करके प्रभुपाद ने कहा तो क्या तो यह बुरा नहीं है। और उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रसाद सामने रखा। तो प्रभुपाद जी ने स्त्रियों के लिए पॉजिटिव मूड में क्या कहते हैं, सकारात्मक भाव रखकर क्या कहे कि हमारी जो डलास में स्कूल है, प्रभुपाद जी के समय में एक स्कूल खोले थे उन्होंने गुरुकुल डलास में, तो बोलते इस गुरुकुल में प्रथम श्रेणी के पुरुष पैदा करनी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मैन प्रोडक्शन होना चाहिए वहां। तो इसके लिए क्या ना हम लड़कियों को दो बातें सिखाएंगे। तो डलास गुरुकुल में लड़कियां थी इसके मतलब, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रभुपाद चाहते थे, बोले दो ही बात सिखाएंगे लड़कियों को, केवल दो ही बात सीखने से उनके जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्या दो बातें हैं? प्रथम बात है कि अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य कैसे बना जाए, और दूसरे है
कि बढ़िया भोजन कैसे बनाया जाए, दो ही कोर्स उनको करना है, बाकी ग्रेजुएशन पीजी की इधर उधर कुछ नहीं करना है उनको। ये प्रभुपाद जी के मतमरे नहीं है, इसमें लिखा है। बोलते हैं कि स्त्रियों को अगर दो ही कोर्स करना हो कि कितने भली प्रकार से अपने पति के विश्वास पात्र बने और सत्यनिष्ठ बने और उनके साथ अच्छा कुक बढ़िया भोजन बनाने सीख जाए। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि अगर यदि उनमें ये दो योग्यताएं आ जाती है, अगर कोई लड़की इस दो कोर्स कंप्लीट करता है तो उनके लिए एक अच्छा पति ढूंढने की गारंटी मेरी है। प्रभुपाद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, जवाबदारी लेते हैं कि मैं खुद उनके लिए पति ढूंढ करके दूंगी, अच्छा पति। उनको केवल दो क्वालिफिकेशन अचीव करना होगा, ये नहीं कहे कि भाई ये पढ़ो, ये करो, ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, ऑनर्स, ये सब नहीं, केवल दो ही क्वालिफिकेशन उनको जरूरी है। क्या? एक सत्यनिष्ठ सेवापरायण पतिव्रता अपने पति के होना चाहिए, पति के प्रति, और दूसरा ही शुड बी वेरी गुड कुक, बहुत बढ़िया खाना बनाने वाली होना चाहिए। बस ये दो ही आवश्यकता है स्त्रियों को, ये दो के कारण उनको एक बहुत अच्छे पति प्राप्त होंगे और निश्चित बोले देखने में भले कुरूप क्यों ना हो और कुछ भी गुण क्यों ना नहीं हो, क्यों ना हो, लेकिन यही दो गुण के कारण उन्हें पति के प्रेम भाजन बन सकते हैं, केवल दो गुण के कारण। और आजकल समाज में हम देखते हैं यही दो ही गुण को छोड़कर बाकी गुण को अपनाना चाहते हैं, यही दो गुण को नहीं चाहेंगे। अभी अभी दो दिन पहले सीता नवमी गया था, सीता जी के चरित्र आप लोग साधन किए होंगे, और आज के दिन भी मोहिनी एकादशी है, मोहिनी जी के नाम, मोहिनी भगवान स्वयं मोहिनी बने थे, मतलब भगवान तो पुरुष है ही है, परम पुरुष है, लेकिन उन्होंने मोहिनी बने कब बने, जब अमृत मंथन चल रहा था, अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, तो वहाँ पे समुच्चय देवता और समुच्चय असुर मिल करके, इट वॉज ए कम्बाइंड प्रोजेक्ट, ये कम्बाइंड प्रोजेक्ट था, उसमें दोनों मिलकर मिलित उद्योग किए थे उन्हें और उसमें बहुत प्रकार का अड़चन, बहुत तकलीफ आया था, बहुत बहुत असुविधा आया था, लेकिन असुविधा को भगवान साथ थे इसलिए सब उसको तकलीफ दूर किए। वो अंततः अमृत के लोभ से मंथन चालू किए, लेकिन अमृत तो दूर की बात, मिला क्या, विष, सबसे पहले विष ही निकला। काम प्रोजेक्ट शुरू किए थे अमृत के लिए और अपोजिट निकला। हम सीख सकते हैं कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए मिलित उद्यम चाहिए। आपने जो जन्मजात शत्रु उनके साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे। बोले कैसे? अमृत का प्रपोजल रखो, वो भी मिल जाएंगे। वो मिल करके अगर प्रयास भी करो, ये नहीं कि आसान से काम बन जाएगा, भगवान प्रपोजल दिए साथ नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी अच्छा काम करने जाए सबसे पहले उसका कुपरिणाम ही सामने आएगा, ये नियम है, बुरा होना ही है लेकिन उसमें पीछे नहीं हटना है। जैसे कोई घर बहुत दिन से गंदा पड़ा हो और कई परत मैले बैठा हो उसके ऊपर, और आप झाड़ू लेकर एक दिन साफ करने जाएंगे, जब झाड़ू देंगे धूल उड़ेगा ही, पहले तो नहीं उड़ता था क्योंकि आप साफ नहीं करते थे बैठा नीचे, जैसे आप साफ करने जाएंगे उड़ेगा। तो इसलिए कभी अच्छा काम करने जाएंगे तो बुरा प्रभाव सबसे पहले आएगा, तो उसके अगर हम डर के हट जाए तो फिर असफल रह जाएंगे। तो इसलिए इस अमृत मंथन प्रक्रिया में सबसे पहले विष निकला, तो भगवान ने संभाल लिए विष को, शंकर जी के पास भेजे। शंकर जी वो अमृत को, अमृत की पड़ी नहीं थी, वो नहीं आए थे, वो उसमें भाग नहीं लिए थे, वो अपना राम राम कर रहे थे, तो उनके पास भेजे। बोले भाई हम सब इधर आ गए, वो भजन कर रहे, उनको सम्मान होना चाहिए, तो खूब उनको सम्मान कराए, तो उन्होंने आकर के विष को टेक केयर कर लिए। तो उसके बाद फिर मंथन जारी रहा, तो एक से एक करके नाना प्रकार के वस्तु निकला, घोड़े, हाथी, अप्सराए, मणि आदि सब निकला। तो उसको प्रायतः देवताओं के भाग्य में तो कम जुटा, सब असुर ले लिए, कोई ऋषि ले लिए, कोई भगवान ले लिए, कोई क्यों लिए। अंत में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी निकली, उसको देख करके सारे असुर देवता समाज
बड़े व्यग्र हो उठे। तो लक्ष्मी जी की जैसे उठी, सब उनके लिए भेंट लाए, सबसे पहले उनको मनाने के लिए बहुत बहुत भेंट लाए ऋषि मुनि साहब, विशेष भेंट दे करके विशेष उनको अभिषेक किया गया। विशेष अभिषेक के बाद लक्ष्मी जी वर्णमाला लेकर के अपने पति को ढूंढने के लिए निकली, और सब अपना अपनी ड्रेसिंग पेंटिंग कर बैठे, बोले शायद हमको अपना सर्टिफिकेट सब टांग करके बैठे होंगे, डिग्रियां हम ये है वो। लेकिन लक्ष्मी जी सबको देखते देखते सबको रिजेक्ट करते गए, आप तो हैं तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध को स्वाद नहीं किया, आप क्रोध को कंट्रोल कर लिया लेकिन काम को नहीं किया, आपने ऐसा किया लेकिन अब दुर्भाग्य बहुत गरीब है, वो अमीर है लेकिन किसी के साथ मिलता नहीं, ऐसे नाना प्रकार के दोष दिखाते दिखाते सारे एक तरफ असुरों से सुरों से सबको रिजेक्ट करते के सब नीचे मुंह करते के बैठे, कोई सिलेक्ट नहीं हुए, सब रेडी होकर बैठे थे। अंततः लक्ष्मी जा करके लास्ट में भगवान अजीत, वो भी देवताओं गोष्ठी में बैठे थे भाग लेकर, उनके पास पहुंची, भगवान में भी दोष निकाली, क्या कि ये सारे असुर सुर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और मैं उनसे दोष देकर रिजेक्ट कर दी, लेकिन उनका पास कोई दोष नहीं है, लेकिन एक ही दोष है कि मुझे चाहते नहीं, मैं उनको बुरी तरह से चाहती हूं लेकिन वो मुझे चाहते नहीं, मैं माला लेकर के उनके चरण में खड़ी हूं उनको वरण करने के लिए, वो मुझे देखते ही नहीं, पड़ी नहीं उनको, बोले ये इतने उदास है, उनको कोई पड़ी नहीं हमसे। तो ये भगवान की अक्षर प्रकारांतर में उनके प्रशंसा था, व्याज स्तुति है। तो स्तुति करके अंततः बोले कि ठीक है, जब मुझे नहीं चाहते तब भी मैं माला डालूंगी। बोले क्यों? बोले भगवान के एक विशेष गुण है कि जो भगवान को पसंद करे या ना करे, अगर भगवान के चरण में शरणागत हो गया तो भगवान उनको छोड़ते नहीं है, शरण दे देते, शरण दे देते, ये विशेष गुण भगवान का है। भले कुछ भी हो, एक बार आ ही गया तो आ गया, बस उनको सिलेक्ट कर देते हैं कुछ। बोले इस प्रकार भले मैं रिजेक्ट योग्य क्यों ना हूं, मैं उनके चरण में शरणागत होती हूं तो मुझे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनका इक्वालिटी है। इसी गुण के कारण लक्ष्मी जी ने भगवान को वरण की, बोले मुझे आप पसंद करो ना करो लेकिन मैं तो आपको पसंद करती हूं, तो जब शरणागत हो गई आपके तो मुझे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपके स्वभाव है। इस स्वभाव के ऊपर भरोसा करके लक्ष्मी जी ने भगवान को वरण की और सब देवता असुर बोल गया, इतने सारे प्लान किए थे वो भी गया हाथ से, वो भी नहीं मिला। अब चलो अमृत के आशा से फिर जारी रखे, अब मंथन जारी रखे, अब फाइनल स्टेज आया, फाइनल एग्जाम, अब लास्ट डेट है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में अब आशा रखे थे। देखा तो भगवान धन्वंतरि विशेष सुंदर रूप धारण करके धन्वंतरि भगवान ने अमृत कलश लेकर उठे, उसके लिखा होगा सामने अमृत करके, नहीं तो कैसे पहचाने अमृत है कि क्या, प्रोडक्ट में आजकल लिखा हो, प्रिंटेड होगा नेक्टर करके, नहीं तो कैसे जाने कि अमृत है कि क्या है। भगवान एक पैक सील कलश लेकर उठे, उसमें लिखा होगा नेक्टर, पढ़ लिए सारे, दोनों पार्टी पढ़ लिए, इतने खुश हो गए कि ये तो अमृत है, मिल गया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, इतने दिन से इतने प्रयास जो काम कर रहे थे कंप्लीट ना हो, मिल गया फल। तब खुश हो गए देवता और असुर, अपने प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे थे ना, खींच रहे थे वासु की नाक की जो अंग पकड़े, छोड़ दिए, बोले अब क्या काम करना, हम तो मिल गया, हम खुशी के मारे देवता भी खुशी हुए थे असुर, लेकिन असुर इतने चालाक थे, खुशी होकर के गए भगवान के हाथ से वो कलश को छीन कर ले लिया, बटन सील पैक खोला नहीं था, इसे छीन लिए। देवताओं तो देखते ही रह गए, अरे ले लिए भगवान के हाथ से, छीन लिए धन्वंतरि देव के हाथ से। देवताओं तो बोले ये तो बड़बसाली है, मारेंगे पीटेंगे, वो तो देंगे नहीं, ले गए पूरा, हम इतने मेहनत किए कुछ भी नहीं मिला, ले गए हमारे सामने। जा करके भगवान के पास रोए, अजीत के पास, देखिए आम आपको बोलते हैं कि धैर्य धरो धैर्य धरो, चुप करो बैठो, देखो क्या हो गया, ले गए भगवान, बोले चुप बैठो चुप चाप ना, क्या कहें, बोले रो मत हल्ला मत कर, चुप बैठो ना, गया सारे, अरे मैं बोलता हूँ ना बैठो, मैं काम करा दूंगा, भरोसा रखो। जो इस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के धैर्य रख करके बैठते हैं, भले रोना भी पड़े मुंह नीचे करके रो लो, लेकिन ऐसे झगड़ा झाटी मत करो, चुप से धैर्य धारण करो, तो भगवान कैसे काम बनाते हैं, वो तो विश्वास ही नहीं करते कैसे काम बने, छड़ के ले लिए, लेकिन ले तो गए, पूरे असुरों की गोष्ठी था, पूरा प्याक
अमृत बटल ले गए थे, ले करके उनके अंदर झगड़ा हो गया, पियेंगे कौन फास्ट, अहम पूर्वम अहम परम, बोलते मैं सीनियर हूं, मैं फास्ट ब्याच, यू सेकंड ब्याच, जूनियर ब्याच, आप कैसे पहले ब्याच बैठेंगे, हम पहली लाइन में बैठेंगे। अब आपस में झगड़ा झगड़ा, कोई बोलते मैं जात में बड़ा हूं, बोलता मैं धन में बड़ा हूं, कोई गुण में बड़ा हूं, कोई हेल्थ में बड़ा हूं, जो भी कंटेस्ट खूब चला कि मैं पहले ब्याच में पीऊंगा, वो पहले ब्याच। अब सील खोल नहीं रहे थे, आपस में झगड़ गए पीने के लिए, अमृत बटल ले चुके थे, उनके पास में था, लेकिन दुर्भाग्य में पी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपस में झगड़ रहे थे कौन पहले पिएगा। इसी समय में इतने बड़े भारी डिस्प्यूट के बीच में, बहुत भारी झगड़ा छिड़ गया था, इसके बीच में भगवान ने, लक्ष्मी जी अभी अभी शादी की थी, जिस लक्ष्मी के रूप को देख करके समुच्च संसार के सारे सुर असुर मोहित हो चुके थे, उस लक्ष्मी के बगल में भगवान खड़े थे, देखते देखते घटनास्थल पर ऐसे मेकअप किए, कोई मेकअप रूम में जाना नहीं पड़ा उनको, ऑन द स्पॉट ऐसे मेकअप किए, मेकअप करके चल पड़े इंस्टांटली। और असुर लोग जो अमृत बटल लेके झगड़ा कर रहे थे उनके नजर पड़ा, एक नजर पड़ा उनके हांसी के ऊपर, अमृत बेकार हो गया, बोले ये अमृत थोड़ी है, फीका पड़ गया, ये तो अमृत इधर है, अमृत तो ये अमृत क्या। मोहिनी देवी उनके ऊपर हंसती हंसती पास में आ गई, सारे असुर और सब पिंड्रप साइलेंस उनके सामने आ गया, पूछने लगे देवी ये किसकी है, कहां की है, एड्रेस पूछने लगे, मोहिनी कुछ बोली नहीं, फिर से कोई बात नहीं, नहीं बोलते से, हम तो पूरे फेत करते हैं, आप हमारे लिए, विधाता ने आपको हमारे लिए ही बनाए, आप हमारे लिए आए। तो मोहिनी देवी केवल इतना बोले, देखो आप लोग सब कश्यप पुत्र हैं, इतने खानदान, बड़े खानदान के हैं, बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड हैं, तो आप एक युवती स्त्री जिसका घरना घाटी आपको पता नहीं एड्रेस, और यंग स्टेज में घूम रही है, इसे स्वच्छाचारिणी है, उसके ऊपर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, नीति शास्त्र में मना किया गया, सारे पॉइंट देकर बताया समझाए। देवता लोग, बड़े बड़े देवता सब, कैबिनेट मिनिस्टर सब बैठे थे, बड़ी महाराज सब सामने बोलते हैं कि बस 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 बस, और हमको इतने परिहास मत करो देवी, हम समझ गए आप स्वच्छाचारिणी हो ही नहीं सकते, आप तो 100% प्योर है। क्यों? बोले जो स्वच्छाचारिणी है वो कभी अपने मुख से स्वच्छाचारिणी आपने नहीं कही, वो कहेंगे तो मैं पवित्र हूं ऐसे कहे, लेकिन आप स्वयं अपने मुख से कहती है मतलब आप पूर्ण पवित्र है, तो इसलिए हमको पूछना जरूरत नहीं, हम तो मान गए आप ही हमारे लिए है, 100% फेत है आपको। बोले आप लेकिन झगड़ा नहीं, झगड़ा ये अमृत बटल लिए थे इसके वजह से कौन पिएगा, मुझे आप हो गए तो आप ही सुलटा दीजिए, अब कैसे उडर करते हैं, अभी आप समझा दीजिए। तो बोले लेकिन मैं एक अपरिचित हूं, अभी अभी आई हूं, मुझे विश्वास करके देते हैं इतने बड़े झगड़ा को सुलटाने के लिए, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं कोई आपको मान, नहीं 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 नहीं, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं, आप वो बटल को फेंक दीजिए, आप खुद पी लीजिए या दूसरे को पिला दीजिए या हमको पिलाइए, वी हैव फुल फेथ, नो डाउट, अंडरटेकिंग साइन करते हैं, हमने साइन किए उनके सामने, कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चाहे उसको जो इच्छा सो करे, और जबरदस्ती उनके हाथ में पकड़ा दी, वो लो जिसको इतने परिश्रम करके, इतने छीन करके, जीवन सर्वस्व करके लिए थे, अभी सील खोले ही नहीं, उनके हाथ में दे दिए, लिए इसको आप जो मर्जी सो करो, विथ एग्रीमेंट साइन पिटीशन दे दिए उनके हाथ। मोहिनी देवी ले ली, एक स्त्री के रूप में देवी मोहिनी ने उनको बुरी तरह से मोहित की, आकर्षित की, आकर्षित करके, और आगे तो उसको प्रसंग बहुत लंबा है, आकर्षित करके क्या की, तुरंत कोई ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ समय के बाद उनको चिटिंग की, बुरी तरह से ठगी, वो बेचारे समझ रहे थे हम ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, एक तो संभले नहीं गया, वो मेकअप करके देवता बनकर बैठ गया आकर के, उसके गला भी काटा गया उनके सामने, ऑन द स्पॉट मर्डर किया गया, वही स्त्री के रूप में परिवेषण करती हुई बांटती बांटती मार दी उसको, गला उड़ा दी, वो भी देखे आप देख करके, जिस देवताओं को सबको पिला करके उनके सामने ही पिला करके, बटल खाली करके बोले पकड़ो जा, अरे हमारे लिए अब ड्रेस चेंज कर दिया, ड्रेस चेंज कर दिया, अब स्त्री रहे नहीं,
देवताओं तो बुरी तरह से, देखिए स्त्रियों के काम, मोहिनी देवी का आज थी ना उनका, मोहिनी देवी का क्या प्रोजेक्ट थी, मोहिनी बनी फंसाने के लिए, फंसा करके ठगी, छल की, छल करके वो जब परेशान हुई इसे हमारे साथ किए ऑब्जेक्शन किए, पिटाई की, ऐसे मारी कि सब क्या कहें, देवासुर संग्राम जानते हैं, बुरी तरह से यही काम है मोहिनी देवी की, जैसी क्रिया मुद्रा अब जगत में जिसे मोहिनी रूप में आएंगे सबके क्रिया वही है ना लक्षण। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोलते हैं यहाँ माँ के शब्द लिखे नहीं, लेकिन मैंने सुना हो कि प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को कहते हैं कि उनको वी शुड ऑलवेज कंसिडर देम एज मदर। इसे चाणक्य जी नीति शास्त्र में कहते हैं कि विवाहिता अन्य स्त्री, अन्य विवाहिता स्त्री को मातृवत परदारेशु, परदार को, पर स्त्री को मातृवत देखना चाहिए, लेकिन यहाँ माँ के शब्द लेकर बोलते हैं कि एक बेटी और एक पत्नी, कि इसके अलावा दूसरा पोस्ट कोई नहीं है, जिन्होंने आक्षेप किया है उन्होंने इसे लिखा है कि ये पोस्ट दूसरा कोई नहीं दिए, ये दूसरा क्या पोस्ट होना चाहिए। जो सचमुच वैदिक नीति धर्म को शास्त्र को जानते हैं, एक स्त्रियों का यही पोजिशन होना चाहिए, बचपन से बेटी के रूप में माँ बाप के संरक्षण में रहेगी, फिर युवक युवती अवस्था में एक पत्नी के रूप में पति के संरक्षण में रहेगी, बड़ी हो जाने के बाद में एक माता के रूप में पुत्र के संरक्षण में रहेगी। हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है, बिना आश्रय न वर्तन्ते कविता वनिता लता, उनको आश्रय बिना कैसे टिक सकते हैं। लेकिन ऐसे तभी जमाने में भी इस प्रकार की उनका मेंटेलिटी था, इस प्रकार भावना था, इस प्रकार के आक्षेप किए थे प्रभुपाद जी के ऊपर, तो प्रभुपाद जी ने इस आक्षेप को सुनकर हंस करके बोले जिन्होंने इसे कहते हैं उन्होंने क्या पदवाच्य है वैश्या, बोले क्योंकि ये पद में वर्गीकरण नहीं किया मैंने, एक बेटी एक पत्नी एक माँ इस प्रकार से स्त्रियों को देखता हूँ, वैश्या के रूप में नहीं देखा, इसलिए चाहते नहीं हमको इसे छोड़ दिया पोस्ट को, इसी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारे लिए पोस्ट नहीं रखा। प्रभुपाद बोलते हैं हंस करके बोले ये पोस्ट चाहते हैं, यही वर्गीकरण नहीं मिला उनको। बोलते हैं आजकल जगत में अब माता जी बैठे क्षमा करें मेरा नहीं है, प्रभुपाद जी के जो भाव में इसको बताना चाहता हूँ तो, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों को केवल दो ही योग्यता होना चाहिए, एक विश्वास योग्य सेवाकारिणी पति परायणा, अपने पति के प्रति सेवा ये होना चाहिए, सत्यनिष्ठ पत्नी, कैसे अपने पति के प्रति पूरे विश्वास रखकर उनके सेवा करे, वही मेरे पति है वही मेरे सब कुछ है, ये भावना मन में आए ये शिक्षा होना चाहिए। दूसरा बहुत बढ़िया कुक होना चाहिए, कुकिंग बचपन से 7-8 साल से किचन में जाकर कुकिंग करना, हर प्रकार का आइटम बनाना सीख जाना चाहिए। बोलते 15-16 साल तक तो उनको तो पक्का कुक बन जाना चाहिए, और 15-16 साल में उनका विवाह हो भी जाना चाहिए, यही उचित है। अगर केवल दो ही गुण किसी का होगा, अच्छा खाना पकाने वाले हो और एक विश्वास योग्य सेवा परायण हो, वही दो ही गुण इतने महान है कोई स्त्री में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, भाई भले उनके रूप कैसे क्यों ना हो, भले और कोई गुण क्यों ना हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन एक अच्छे पति उनको प्राप्त होंगे, उनके जीवन सफल होगा। लेकिन यही दो गुण को छोड़ करके बाकी कई प्रकार के ट्रेंड अप पीजी और क्या क्या सब जो भी डिग्रियां सब इकट्ठा कर लो, ना तो एक अच्छे पति मिलेंगे ना जीवन में सुख शांति मिलेगा, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा। अब आजकल तो ये चल पड़ा नियम कि कोई शादी करने नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, और नौकरी करने वाले नौकरानी होना चाहिए, दोनों नौकर बनेंगे, अब वो अपने जॉब में जाएगी वो अपने जॉब में जाएगी, अब आजकल तो जॉब 7-8 बजे से पहले छूटते नहीं, 8 बजे आएंगे थके मांदे, कौन कुकिंग करेगा, हाँ बोलेंगे मैं भी टायर्ड, कौन कुकिंग करेगा, झगड़ा करेंगे जब होटल से मंगा कर खाएंगे और क्या करेंगे, वैसे भी जो वही हाल है, सुबह उठते नहा धोकर भागेंगे ये दूसरे, अरे शादी किया, शादी करने का मतलब आपके वही नियम यज्ञ के सामने ब्राह्मण के सामने और सबको साखी रख करके हम ये वचनबद्ध होते हैं कि ये मेरे पति है, उनको वरण कर, कर,
करते हैं कि उनको जीवन पर्यंत उनको पति के रूप में उनके सेवा करूंगी, उनके संरक्षण में रहूंगी। और उनकी सेवा क्या करूंगी, सेवा तो पहले से कर रही थी, और किसी कंपनी में सेवा करोगी, उनकी सेवा थोड़ी करेंगी पूरा दिन दूसरे। तो उनको काहे को वरण किया, वरण तो पहले कर चुका है दूसरे किसको सेवा करने के लिए। यही होना चाहिए, सेवा तो केवल उनके जॉब पूरा पूरा होना चाहिए पति के अंडर में, उनकी प्रसन्नता के लिए। और वो प्रसन्नता छोड़कर दूसरे किसी की प्रसन्नता के लिए सेवा करेगी तो कैसे सीखे, सुख शांति कैसे मिल सकता, हो ही नहीं सकता, आपस में कभी मेल नहीं हो सकता। अभी अभी मोहिनी जी की शिक्षा से किस प्रकार उन्होंने दिए, अब सीता नवमी में सीता जी से, सीता जी के चरित्र ऐसा है कि भगवान ये लीला में अनेक कुछ सिखाते हैं। भगवान के नित्य प्राण वल्लभा भगवती सीता अजो निजा है, भगवान उनके प्रति ऐसे कठोर व्यवहार कैसे कर सकते हैं जो स्वयं करुणा सिंधु है, जो इतने शील स्वभाव है। तो आपने प्रेयसी सीता के प्रति ऐसे कठोरता बरत सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने आपने पत्नी सीता के द्वारा इस संसार के समस्त स्त्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। कुछ ऐसे घटना करके लीला करके सिखाते हैं। जब वनवास तो केवल भगवान को हुआ था, कैकेयी ने जो चक्रांत में वन में जाने के लिए दशरथ महाराज से वचन मांग लिया राम वन में जाए, सीता जी के लिए थोड़ी था कंडीशन, नहीं। लेकिन भगवान राम आकर के सबसे परमिशन लेके सीता जी को जो बोले कि मुझे आदेश स्वामी वन जा रहा हूं, आप घर में रहिए, कोई कमी नहीं, हर प्रकार से अब चाहे तो मुझे एक एडवांस साइन करके जाता हूँ, अब जो आवश्यकता है सब, आप सास ससुर की सेवा करो, पिताजी की तबीयत खराब है, माता सब देखभाल करो, अगर दिक्कत भी हो भगवान राम यहाँ तक भी सुविधा दे कि अगर आपको दिक्कत हो, भरत जी कोई तंग करे आपको, आपको अच्छा ना लगे तो आप अपने घर में भी जा सकते हैं, मिथिला भी जा सकते हैं। ये भी परमिशन दे करके सारे जिस प्रकार दिनचर्या और स्त्री धर्म का बारे में शिक्षा दे करके जब जाना चाह रहे थे, सीता देवी रो रो कर बोले बोले एक बात मेरे तो सुन लीजिए, आप जल्दी जाना चाहते हैं, प्रातःकाल में आपको जन वन में जाना है, मेरा तो एक ही बात सुन लीजिए, मैं आपके धर्म पत्नी हूँ। बोले बोलिए, रो रो कर सीता जी ने बोली, बोले मत आप स्वयं धर्मज्ञ हैं, आप मुझे स्त्री धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या कि विवाहिता स्त्री का ही धर्म है? विवाहिता स्त्री के लिए सास ससुर देवर पुत्र पुत्री इसका कोई मतलब नहीं है, सारे संपर्क तो पति के नाते होता है, पति ना हो वो सब आए कहां से? और पति जाएंगे जंगल में दुख में नंगे पैर में भटकेंगे, और मैं इस राजभवन में राजसुख लूटूंगी, ये स्त्री धर्म है? आप कैसे इस बात कहते हैं? भगवान निरुत्तर हो गए उनके सामने, उत्तर नहीं था भगवान के पास में, मानना ही पड़ा। ठीक है चलो, तो यहां तक कह दी, बोले अगर आप मुझे कठोर जवाब देंगे नहीं तू नहीं जा सकती घर में रहो, तो मैं आपका आज्ञा को उल्लंघन तो नहीं कर सकती, मैं रह जाऊंगी घर में, लेकिन आप घर में रह करके जो काम करने के लिए मुझे बोलते हैं, जो धर्म पालन करने के लिए, धर्म पालन कैसे हो सकता? बोले क्यों क्यों नहीं कर सकती जब घर में रहे? बोले मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे, एक क्षण के अंदर इस शरीर से प्राण छूट जाएगा, तो एक डेड बॉडी धर्म पालन कैसे कर सकती है? जो सबके द्वारा कोई धर्म आचरण का आसान नहीं किया जा सकता, मुझे आप जीवित रखना चाहते हैं, और जीवित सही स्त्री धर्म का मैं बस पति के कितने भी दुख मुझे, बोले जब विदा दे रहे थे जनक महाराज सुनेना देवी कन्यादान देते समय जब अंतिम विदाई दे रहे थे, तभी बोलकर बोलते बेटी आज से तुम्हारा ये सब कुछ है, यही उनका घर तुम्हारा है, उनके सहधर्मिणी उनके सहचारिणी बनकर रहो, उनके सुख में सुख उनके दुख में दुख, तो आप मुझे ही सिखा देते, मैं क्या इतने तुच्छ हूं आप दुख में रहेंगे मैं आपका साथ नहीं रह सकती हूं? भगवान को उनके सामने मान करके उनका एक्सेप्ट करना पड़ा। इतने पति परायणा, कितने शुरू से राजकुमारी है, इतने सुकुमारी, लेकिन फिर भी
वन में इतने दिन रही, रह करके भगवान के साथ में इतने सत्य व्रत पतिव्रता सत्यव्रती और पतिपरायण थी, लेकिन फिर भी उनको जो रावण अपहरण करके ले गया और भगवान ने युद्ध किए, लंका विजय करके रावण बद्ध किए, बद्ध करके अब जब विभीषण को राजा तो बन चुके थे पहले, तो अंततः सारे बैठेंगे सब मिल करके सीताजी को मुक्ति के लिए भेजे, विभीषण हनुमान गए सीताजी को लेकर आओ। भरी सभा के बीच में सीताजी को जब लाया गया, सीताजी आ रही थी बड़े प्रसन्न चित्त थी कि प्रभु मुझे स्वीकार अब करेंगे, इत सब मुक्त किए मुझे, लेकिन जैसे पूरी सभा के बीच में सीताजी आई तो भगवान ने तुरंत बोले, हे वैदेही सुन लो, मैं एक क्षत्रिय राजा के कर्म किया, एक राजा हूं, एक क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म था एक स्त्री अपहरणकारी दुराचारी रावण को दंड देना था, उसको बद्ध किया, मेरा कर्तव्य मैं किया। जहां तक आपको अंगीकार करने का सवाल है, आप इस राक्षस दुराचारी रावण के यहां इतने दिन रहे, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं आपको? आपका आपका पवित्रता का परीक्षा देना होगा, बताओ। क्या नहीं पता था उनको? इतने दिन तक अशोक वाटिका में जब थी सीता जी ने, तब अहर्निश निरंतर केवल श्री राम के चिंतन करती थी, एक क्षण के लिए दूसरा को चिंतन नहीं था। भगवान के बात पता था अच्छा तरह से, यही शक्ति के कारण और रावण को कितने फटकारती थी बुरी बात कहकर सामने, लेकिन फिर भी राम सभी के सामने पब्लिकली उनको बोले, आप मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, आपका चास्टिटी का परीक्षा देना होगा, यू हैव टू प्रूव योर चास्टिटी। अगर आजकल जितने भी बहुत उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, अगर उनको अकेले तो बात छोड़ो, अकेले में भी गुस्सा हो जाएंगे, अगर पब्लिकली उनको कोई बोल दे, उनके पवित्रता के ऊपर उनके ऊपर आक्षेप आरोप लगा दे, तो चंडी बन जाएंगी तुरंत, तुरंत बोल देंगे आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, मेरे ऊपर देख रहे तुरंत। लेकिन धन्य है सीता जी, यद्यपि शत प्रतिशत पूर्ण पवित्र थी, लेकिन एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाली भरी सभा में, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ करके स्वामी की बात को स्वीकार की। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण अग्नि संयोग करो, सूखे लकड़ी ला करके अग्नि के संयोग किया गया, और जलती हुई आग में हजारों देखने वाले के बीच में, उस सभा मंच के बीच में सीता देवी ने श्री राम के श्री चरण को स्मरण करती हुई अग्नि को प्रदक्षिणा की और जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। आज तक इतिहास में अद्भुत अनुपम घटना, जलती हुई आग भी शीतल हो गई सीता जी के स्पर्श से, साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी तक प्रकट होकर के उनके पवित्रता के प्रमाण देकर बोले, ये पवित्र है, कोई दोष नहीं उनसे। ऐसे हैं स्त्री, पति के बात पर कितने भी आक्षेप लगाए, कितने बुरे भले कहे, अकेली नहीं, बेडरूम में नहीं, पब्लिकली, तब भी कोई एक शब्द उनके विरुद्ध में नहीं, पति प्राण। इससे क्या उससे भी और कठोर परीक्षा, गए अब राज रानी के रूप में सीताराम, तो हजार वर्ष की अयोध्या के राज किए, लेकिन एक छोटा सा कोई साधारण व्यक्ति का एक आक्षेप सुन करके भगवान ने लोक अपवाद के भय से सीता जी को गर्भवती अवस्था में वन में भेज देते हैं, निर्वासन कर देते हैं। आजकल के ऐसा कोई सोच भी सकता है केस में खींच लेंगे उनको, कोई सोचा नहीं जा सकता, कर दिया उनको, और कोई व्यवस्था भी नहीं कि जंगल में के कहाँ रहे, बेचारी भटकते तो हुए वाल्मीकि आश्रम के शरण में रही, वहीं लवकुश के जन्म हुए। उसके बाद में लवकुश का पता चल जाने के बाद, सब कुछ अयोध्यावासी भी समझ लेने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, जब वाल्मीकि आश्रम से वापस आए, तभी भी भरी सभा में भगवान बोले कि देवी मैं लोक अपवाद के भय से भयभीत हूं, इसलिए और एक बार आपको पवित्रता का परीक्षा देना होगा, बताओ। तब भी सीता जी कुछ नहीं बोली,
एक आश्रम में इतने दिन रहने के बाद कुछ नहीं बोली, यहां तक कि ऐसे वर्णन आता है महर्षि वाल्मीकि खुद पड़े भरी सभा में चिल्ला कर बोले, बोले वैदेही नहीं बोलेगी, मैं बोल रहा हूं, मैं महर्षि वाल्मीकि बोल रहा हूं, आजीवन कठोर तपस्या किया हूं, वेद के स्वाध्याय सद्धर्म आचरण किया हूं, मैं दावा करके कहता हूं कि ये सीता उसके अंदर अणुमात्र भी अपवित्रता नहीं, अणुमात्र भी नहीं, अगर उसके अंदर अणुमात्र भी दोष आए तो मेरे सारा जीवन का तपस्या व्रत सदाचार सब भस्म हो जाए जल करके, ये दावा करके कहे, सारे उठ करके पुष्प वृष्टि किए, लेकिन फिर भी सीता जी किसी को नहीं मानी, अपने पति जब चाहते हैं तो उन्होंने बोले ठीक है आप चाहते हैं तो उनके सभी के सामने भूमि देवी को प्रार्थना की और भूमि के गर्त में चली गई। तो किस प्रकार कितने कितने घोर कठोर स्थिति में भी उन्होंने अपने अपने जो गुण है उसमें कोई आंच आने नहीं दी, ऐसे स्त्रियों के गुण होना चाहिए। आज भी हम जाते हैं कहीं देखो सीता रोसाई लिखा रहता है, सीता के मकान लिखा नहीं है। हम अभी बिठूर में गए थे, वो जो बटवृक्ष है इतिहास प्रसिद्ध सा, एशिया में सबसे बड़ा बटवृक्ष वही है गंगा किनारे वहां पे बिठूर में, वहां पे हम गए देखने के लिए, वो सीता रोसाई, यहां देखे सीता रोसाई, सीता रोसाई कि सीता जी के विशेष गुण था क्या, सी सी गुड कुक सीता रोसाई, ब्रज में जाओ पावन सरवन राधा रानी के कुक, यहां रोसाई करती थी। तो स्त्रियों के एक जन्मजात विशेष गुण जो होना चाहिए जो स्त्रीत्व को प्रमाणित करती है वो है कुकिंग। अब उसको तो कोई सीखे नहीं, कौन ये सब हाथ आंच लगेगा जल जाएगा ये होगा काट बाट छाट, हम कंप्यूटर चलाएंगे, कुकिंग करते तो कंप्यूटर से करते हैं हाँ? जैसे आजकल लोग खेती भी कंप्यूटर में करते हैं तो कुकिंग कंप्यूटर करते हैं, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये प्रभुपाद जी ने जानते थे धर्म की बारी की नीति को, इसलिए जानते हैं स्त्री धर्म का यही होना चाहिए, स्त्रियों का अगर यही दो योग्यता हो, अब अच्छे कुक हो और विश्वास योग्य हो तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सफलता हो गई, नहीं हो सकता। और यहां तक प्रभुपाद जी ने स्वयं चैलेंज करके कहते हैं कि मैं जवाबदारी लेता हूं उनके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का काम प्रभुपाद जी अपने ऊपर लेते हैं, जैसे भगवान ने गारंटी देते हैं अगर तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सब छोड़कर मेरे शरण में आओगे तो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि डरो मत मा शोच, ये भगवान की गारंटी। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की गारंटी देखिए, पुरुषों के लिए नहीं स्त्रियों के लिए प्रभुपाद जी गारंटी लिख करके दिए इधर, कोई आपको तपस्या अपस्या मंगल आरती ये सब नियम कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी करो नौकर नहीं देंगे, ओनली टू थिंग्स यू हैव टू डू, दो ही काम अगर स्त्री कोई करेगी प्रपंच आई एम टेकिंग पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से दावा जवाबदारी लेती हैं, अगर कोई स्त्री विश्वास योग्य बने और अच्छे कुक बने तो उनके जीवन को सफल करने का दायित्व भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी अपने ऊपर लेते हैं, है ना नहीं? और हम इसी दोनों को छोड़ करके बाकी 2000 गुण भी इकट्ठा कर लें कोई कीमत की नहीं है। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाप, कैसे निस्तार हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए समय भी ज्यादा नहीं है, तो आज इस पवित्र मोहिनी एकादशी तिथि, जैसे मोहिनी देवी ने अपनी पराक्रम लक्ष्मी जी वहीं खड़ी थी वो भी देखती रह गई क्योंकि उनसे भी अति और सुंदर थी मोहिनी देवी की चरण। तो इस प्रकार इस रूप में अगर देखेंगे तो मोहिनी देवी का जो प्रोजेक्ट था आप देख लिए, बुरी तरह से फंसाएगी, एक बार बुद्धि आउट हो जाएगा और देखते ही देखते ही आपके सामने चिटिंग करेगी और पिटेगी गला काटेगी। और दूसरी रूप में भगवान की सीता जी मदाला से दमयंती इतनी जो सुपसती स्त्री हैं उनको देखिए, अपने जीवन को तड़ितलांत करके सब कुछ सह करके कितने कितने कठिन परिस्थितियों में पति का साथ दे रहे,
तभी उनका नाम इतिहास में अभी तक जुड़ा। क्या गुण था? इसी गुण के कारण ना। तो इसलिए कम से कम आज इस पवित्र एकादशी तिथि में हम जितने हैं बैठे हैं, मातृगण है, प्रभुगण भी है, सबको अपन सोचना चाहिए, समाज में इस बात को समझाए, लोगों को जो हैं उन्होंने पालन करना चाहे, जो नहीं करे उनको ही समझाए कि अगर ये दो गुण, क्योंकि समाज में जो नारी जाती है, यहाँ कहा कि 50% स्त्रियाँ हैं, मुझे लगता है कोई कोई बोलते मोर देन 50% है कहीं कहीं जगह, है ना। तो जो भी हो एवरेज 50% अगर माना जाए, लेकिन स्त्रियों को बहुत बड़े शक्ति हैं वो, तो उनको जो आवश्यक गुण होना चाहिए, ये दो गुण अगर स्त्रियों के पास होगा तो समाज अपने आप में सुधर जाएगा, अपने आप में समाज ही निष्कलंक हो जाएगा, समाज ही पवित्र हो जाएगा, क्योंकि पूरे समाज का प्रगति और पवित्रता का पूरा पूरा दायित्व स्त्रियों के ऊपर है। इसलिए कहा गया शास्त्र में, जननी जन्म नाम गुरु, जन्म से ही गुरु तो माँ ही होता है। इसलिए अब कोई भी देश में जाए, जो अपने भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उन्होंने, मदर टंग, फादर टंग, ब्रदर टंग कोई नहीं कहते, मातृभाषा है, माँ की भाषा है, माँ से ही सीखना होता है, माँ प्रथम गुरु वही है, वो जैसे सिखाएगी, अगर पिता को डैड बोलो डैड बोलेंगे, पिता बोलेंगे पिता बोलेंगे, बाप बोले तो बाप बोलेंगे, जो सिखाएंगे वही से बोलेंगे, मातृभाषा। तो इसलिए माँ के अगर वो सही नहीं होगी तो संसार जितने, अर्जुन ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उनका बड़े शंका उठाए थे, हाँ जो कारण दिए थे मैं नहीं लड़ूंगा करके, उसमें एक बड़े मुख्य कारण था कि ये लड़ाई में आजकल तो हम सारे आजकल तो स्त्रियां भी लड़ाई में जाते हैं, पर लड़ते तो है नहीं, लड़ाई से घर बैठे कर होता है पता नहीं, लेकिन जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध में केवल पुरुष ही भाग लिए थे, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र महायुद्ध में, महाभारत युद्ध में केवल पुरुष ही दोनों तरफ से 18 अक्षौणी पुरुष और बाकी असिस्टेंट सब पुरुष ही भाग लिए थे, एक भी स्त्री नहीं थे। तो अर्जुन ने बोले हम तो मरेंगे इधर लड़ाई करके, आपस में मर जाएंगे तो बचेंगे कौन संसार में, छोटे बच्चे बूढ़े और ज्यादा संख्या में स्त्री, और उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है संरक्षण का, वो अकेले दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनको संरक्षण का आवश्यकता है, अगर कोई संरक्षण करने वाला उनका ना हो, वो अगर स्वच्छाचारिणी हो जाए तो समुच्चा संसार नारक हो जाएगा, नरक हो जाएगा, ये अर्जुन का स्टेटमेंट है ना, नहीं नरक की स्थिति हो जाएगा करके अर्जुन, तभी भगवान सर बोलते ये स्थिति हो जाएगा, भगवान बोले यस हो जाएगा, केवल एक वर्ग को अगर सही से संरक्षण नहीं दिया जाए, अगर वो स्वच्छाचारिणी हो जाए, संपूर्ण समाज नारक की स्थिति पैदा हो जाएगा, आजकल हम देख ही रहे स्थिति। तो चाहे गीता कहो, चाहे भागवत कहो, चाहे किसी प्रकार के कहो धर्म के, सब इसी बात को कहते हैं, अगर ये दो ही चीज को अपना जाए, उनको शिक्षा दिया जाए, उनको उनको प्रेरणा दिया जाए, तो हम लोग वो लोग समुच्चा संसार बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पवित्र हो जाएगा, प्रगति करेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, काम कर रहा है ठीक है, धन्यवाद। तो महाराज ने जो प्रभुपाद की शिक्षा पर जो है जो प्रकाश डाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात और भी समझना है, प्रभुपाद ने जब कहा कि स्त्रियों को केवल दो ही शिक्षाएं दी जाएं, लेकिन जो मूलभूत शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो सबसे पहले होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण भावनामृत की जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसके ऊपर फिर ये दो गुण प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि स्त्री जो है जब गुरु होती है अपने बच्चे की, तो सबसे पहले अपने बच्चे को कृष्ण भावना भावित बनाएगी, हम ये शरीर नहीं है, है? और कृष्ण भगवान है, परमेश्वर हैं, तो ये जो शिक्षा है ये मनुष्य के जीवन की मूलभूत शिक्षा है, जो कि पशु में नहीं है, तो वो स्त्री को भी मिलना चाहिए, पुरुष को भी मिलना चाहिए, इसमें तो कुछ भेद नहीं है, यहाँ कोई भेद नहीं है, बाकी पुरुषों को दूसरी प्रकार की शिक्षाएं मिल रही हैं, स्त्रियों को दो गुण, हाँ ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है इस विषय में बहुत कठोर हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को मनुष्य बनाया जाए,
और मनुष्य का मतलब है कि वो समझे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, उसके बाद फिर ये जो दो गुण हैं तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर ये खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमें बच्चियों को जो बचपन से जो अपने आश्रित हैं तो उनको सिखाएं। अभी ये दोष स्त्रियों के ऊपर नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि जैसे परिवार में वो बच्चियां पैदा होती हैं और उनको जैसी शिक्षा दी जाती है, सब कुछ दोष तो शिक्षा का ही है। ना माता पिता के पास वो शिक्षा है, ना अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, और ना जो है स्कूलों में कॉलेजों में कोई शिक्षा है। तो प्रभुपाद ने ही जो है ये मतलब आंदोलन जो प्रारंभ किया है और ये निर्माण किया है, ये सब जो गुरुकुल की शिक्षाएं हैं और जो बच्चियां हैं, तो प्रभुपाद के हमारे आंदोलन में जो बच्चियां हैं उनको सिखाओ। प्रभुपाद अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम आप लोग सिखाइए, हमारे आंदोलन की जो बच्चियां हैं तो उनको जो है ये गुण सिखाइए। और साथ साथ जो है जो कृष्ण भावनामृत के जो नियम हैं, 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, इसमें कोई समझौता नहीं कि कोई अंतर हो कि स्त्री है तो ये नहीं करेगी, पुरुष है तो ये करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जो है तो अपनी ही जिम्मेदारी है, ये नहीं है कि ये स्त्रियाँ क्यों बिगड़ गई तो हम इनके ऊपर दोष डालें, नहीं, ये तो जो है आज की शिक्षा है। और जैसे माता पिता होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, जैसे शिक्षक होते हैं, वैसे ही बच्चे जो है फिर अपना उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज के समाज की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हमें शिक्षा नहीं मिलती है कि हम ये शरीर नहीं है, अगला जीवन है, अगले जीवन के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो दोष है प्रभुपाद ने इसी को ही दिखाया है और इसी पर ही प्रहार किया है। ये अज्ञान जो है सबसे बड़ा जो है दोष है, इसी पर प्रभुपाद हमेशा प्रहार करते हैं कि इस बात को समझें कि हम ये शरीर नहीं हैं और अगला जीवन है, और हमें अगले जीवन के लिए अपना इस जीवन को बनाना है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत ही दो सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी के उस स्टेटमेंट को भी संपुष्ट किया अबाउट लेडीज एंड बिहेवियर। मेरा प्रश्न यह है कि दो कनेक्टेड प्रश्न है। एक, अक्सर शास्त्रों में स्त्रियों के लिए तो चेस्टिटी का इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है और ब्रह्मचार्य के लिए बताया जाता है चेस्टिटी टू गुरु करके, लेकिन सामान्यतः पुरुषों को उस चेस्टिटी के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों नहीं दिया जाता? शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेखन है कि स्पष्टता की, जैसे रामचंद्र जी तो स्वयं एक पत्नी व्रत थे, लेकिन बाकी क्या चेस्टिटी के ऊपर उतना स्ट्रेस दिया जाता है? और दूसरा प्रश्न यह था कि आपने जो पास्ट टाइम दिया था धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, तो कुछ अजीब लगता है कि भगवान का सिर्फ रोल इतना ही था कि अमृत बाहर ले जाए और वो भी उनके हाथ से छीन ले असुरों ने, तो ये थोड़ा समय में समझने में मुश्किल आ रहा है कि क्या इतना ही था हमारा भगवान का रोल उसमें? इतना ही तो रोल हम देखते हैं भागवत में, इतना ही वर्णन है धन्वंतरी भगवान इतने के लिए है। अब मोहिनी देवी का भी केवल इतना ही रोल था, उसके बाद में नहीं है। भगवान आवश्यकता पर इतना ही काम करते हैं जितना आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि भगवान की ये पहले से ही योजना थी कि अमृत देवताओं को मिलना चाहिए, असुरों को केवल परिश्रम मिलना चाहिए। तो देवताओं से भगवान ने पहले से ही ये शिक्षा दे दी थी कि बाकी कोई चीज़ मिले तो उसमें झगड़ा नहीं करना, कोई ले ले तो ले ले, लेकिन तुम्हें अमृत मिलना है। और अमृत मिलना है तो जो है किस तरह से करना है कि जब अमृत का कलश जो है निकला तो भगवान ने कुछ नहीं मतलब योजना बनाई कि भाई आप लोग बैठो और किस प्रकार से जो है अमृत का बंटन होगा, भगवान ने कुछ योजना नहीं बनाई। भगवान ने उनको अवसर दिया कि छीने, पहले अन्याय करें क्योंकि उनको अमृत नहीं मिलना चाहिए, तो अमृत नहीं मिलना चाहिए तो इसलिए उनको अन्याय करने का मौका भगवान ने दिया। तो देव भगवान की जो है इशारे से देवता लोग भी बिल्कुल चुप रहे, धन्वंतरी हैं वो भी बिल्कुल शांत रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब बहुत देर होगी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो असुरों ने जो है फिर कहा कि भाई कोई बोल नहीं रहा तो चलो फिर जैसे अपना ठीक लगता है वैसे करो, तो उन्होंने छीन लिया और फिर जो है भगवान ने उनके हृदय में कलह उत्पन्न करा दिया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनको मिले अमृत।
तो इसलिए बराबर बांटने की जो बात है वो भगवान ने मतलब की नहीं, क्योंकि भगवान तो लीडर थे सबके, तो भगवान के नेतृत्व में ही सब कार्य हो रहा था। लेकिन उनको जो है अमृत नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से भगवान ने योजना बना ली थी, इसलिए उनको अन्याय करने का अवसर दिया। और इसके बाद फिर जब अन्याय किया भगवान ने तो वो दोष भी नहीं लगा। हरि बोल। पुरुषों का चेष्टिटी देखिए, अब उसी का उत्तर देना चाहते हैं? नहीं, मैं जो समझता हूँ, देखिए स्त्री पुरुष परिपूरक हैं, स्त्री के चेष्टिटी कैसे होगा पुरुष नहीं होने से? तो जितने रोल उनका भी होता है इतने रोल उनका भी है ना, एक कंप्लीमेंट। हाँ बोलिए। जैसे पुरुषों की चेष्टिटी के लिए, एक्चुअली चेष्टिटी तो भगवान की तरफ है और भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु, तो पुरुष के लिए सामान्यतः जब वो गुरु के लिए चेष्ट रहते हैं तो जो भी अवांछनीय चीज़ें हैं वो रहती नहीं है, तो उसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अल्टीमेटली इशू क्या है कि अवांछित जो चीज़ें हैं वो हमारे हृदय से निकलें। एक स्त्री के लिए पुरुष के प्रति चेष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष जो है कहीं और उसका मन ना लगे, वो अपनी पति से पत्नी से संतुष्ट रहे। लेकिन पुरुष का काम है अपने गुरु के प्रति चेष्ट रहे, वो सफिशिएंट है। उसके उसके बाद उसके पास पूर्ण गुण आ जाते हैं, जिसके बाद उसको कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती और वो चेष्ट रहेगा। जितना वो गुरु के प्रति चेष्ट रहेगा उतना वो ना केवल पत्नी, पूरे समाज और पूरे देश और पूरे विश्व के प्रति चेष्ट रह पाएगा। तो पुरुषों का केवल गुरु के प्रति चेष्ट, पत्नी स्त्रियां गुरु के प्रति चेष्ट नहीं रहेंगे? हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने समझा पहले कि पहले पूर्व काल में स्त्रियों के गुरु होते थे पति और पति के गुरु होते थे उनके गुरु। तो पति अपने गुरु की सेवा करते थे और स्त्री अपने पति जो कि गुरु थे उनकी सेवा करती थी। लेकिन आज के समय में क्योंकि सारे पति इस लायक नहीं है कि वो गुरु का अच्छा रूप निभा पाए, इसीलिए गुरु दीक्षा दे रहे हैं स्त्रियों को भी, क्योंकि वो एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करके उस उच्च गति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। और किसी का कोई मतामत? मोहिनी रूप का हम दर्शन करते हैं तो हमें किया जाता है, परंतु मोहिनी रूप एग्जैक्टली है क्या? मोहिनी रूप एग्जैक्टली है क्या आप देखना चाहते हैं क्या? मैं बताने जो बोल रहे हाँ, सतर्क रहना चाहिए इस प्रकार से। झगड़ा झाटी बहुत डिस्प्यूट समाधान नहीं होता है, तो एक ऐसे प्राणी आप मेरा हुआ कि इमीडिएट विदिन ए मिनट सब शट आउट हो गया है ना। मोहिनी देवी है ना, नहीं समझा? स्त्री के प्रति सतर्क रहना चाहिए है ना। नहीं, मोहिनी देवी स्त्री के रूप में आए थे तो उन्हीं को देख करके तो उन्होंने मोहित हो गए असुर लोग है ना। हाँ माता जी बोले। दो तीन माइक होना है। हरे कृष्ण। महाराज थोड़ा सा मोहिनी रूप के बारे में बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। धन्यवाद। मोहिनी जो आपको मोहित करे, और जब हम भगवान के प्रति मोहित नहीं हैं तो हम किसी ना किसी वस्तु के प्रति मोहित होते हैं, और वस्तु का निकृष्ट पूर्ण रूप ये स्त्री जो मोहित करती ही है। तो ये हमारा फेलियर है कि हम किसी और से मोहित हो रहे हैं क्योंकि हम भगवान से मोहित नहीं हुए। तो अगर हम भगवान से मोहित हैं तो कोई भी वस्तु हमें मोहित नहीं कर सकती, ये हमारी खुद की वीकनेस है जो किसी रूप में आके हमें मोहित करके हमें गिरा देती है। तो मोहित मतलब जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपके ही पाप से आपको किसी चीज़ से अट्रैक्ट करके आपको गिराने आए। तो जब हम भगवान से मोहित नहीं है तो हम डेफिनेटली किसी गलत चीज़ से मोहित होकर गिर जाएंगे। हाँ, भगवान से मोहित होने पर भी डर रहता है, वो कुछ कम शक्तिशाली नहीं क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी अवस्था आता तो भगवान स्वयं पर्सनली मदद करके बचा देते हैं। ऐसे कैसे भगवान कहते हैं मम माया, तो जो है मैं काल ही चर्चा कर रहा था भागवत में जो विराट रूप में वर्णन आता है
वो कहते हैं कि भगवान की जो माया है, भगवान की मुस्कान है, उसके बीच में ऊपर उठो उनके शर्म लज्जा, नीचे थोड़ी वो होता है लोभ, और मुस्कान ये माया है। भगवान की मुस्कान हो तो सबको वर्णन करता है इसके रूप में। तो भगवान की शरण लें वो तो बचाएंगे निश्चित, माम भय प्रपद्यन्ते माम। तो अगर फिर भी आप भगवान की भक्ति करते हैं, कोई सतर्क असतर्क रह गए और कोई ऐसे मोहिनी रूपी किसी के द्वारा मोहित हो गए, अगर भगवान की सेवा किए होंगे तो भगवान आ करके घटनास्थल पर बचा देंगे, ये भी। एक्चुअली प्रभु महाराज, जैसे हरिदास ठाकुर जी के केस में देखा तो उनको तो कुछ भी, जबकि वो माया देवी खुद ही दो बार इंस्टेंस हुआ, उनको अट्रैक्ट किया ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण तो हरिदास ठाकुर थे ना, क्योंकि पूर्णतया कृष्ण, लेकिन सभी तो हरिदास ठाकुर नहीं। हाँ, वही चीज, क्योंकि जो कृष्ण के चरणों में पूर्णतया निवेश किया है जिसने, उसको कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी कमी रही है उसको कोई ना कोई रूप या कुछ ना कोई चीज आके उसको आकर्षित करके उसी को गिरा देते नीचे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की। निर्विशेष शून्यवारी पश्चात देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।